के साथ तैयार होगी। कढ़ी में जैसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कर्ड होता है, तो यहाँ पर अपन टमाटो प्यूरी जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, तो खटाई इसी से ही आ जाएगी। हाँ जी, खटाई से। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बाकी कौन से हैं अपने पास? इसके लिए अपन ने लिया है बेसन, ये साबुत लाल मिर्च है, टमाटो प्यूरी है, कोरिएंडर लीव्स हैं, करी पत्ता, जीरा, राई, थोड़ी सी चीनी, हल्दी पाउडर, ये हींग, नमक, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है सौरभ, बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले एक अपन मिक्सिंग बाउल लेते हैं। ठीक है, इस मिक्सिंग बाउल में जो अपने पास ये बेसन है जी, ये बेसन अपने को ऐड करना है। अरे बेसन तो कच्चा ही है सौरभ, कच्चा ही रखा है। कच्चा ही रखना है इसमें बेसन अपने को। अगर आपके पास 100 ml टमाटो प्यूरी है तो उसमें आप 2 चम्मच बेसन मिलाएं। ठीक है, इस बेसन के साथ इसी के अंदर अपने को थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच, और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, या 1/2 teaspoon आप डाल सकते हैं। ठीक है, इन मसालों को इसमें मिक्स करके और जो टमाटो प्यूरी आपके पास है उसको ऐड करना है इसमें। साथ के इसको अपन विस्क करेंगे। ठीक है, और एक गाढ़ा पेस्ट बन गया। गाढ़ा पेस्ट बन गया, इसको अपन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके ठीक है सेट करेंगे। जैसे कढ़ी का अपन मिक्सचर बनाते हैं घरों में बैटर एक जी, वैसा ठीक बन जाएगी। वैसे ही बना रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ पे टमाटो प्यूरी ले रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं वर्तिका, ये एक अच्छा सा बैटर इसका लिक्विड बन गया। थोड़ा सा ऑयल, उसको ऑयल में ही तैयार करेंगे। हाँ जी, ऑयल में बनाना है। ठीक है, यानी कि जो अपना बेस हो गया वो हो गया टमाटो प्यूरी और बेसन, जिसमें अभी सीजनिंग करी हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपने ऑयल गरम कर ही दिया है। और एक चीज और मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा कि अगर इसमें आपको डोमिनेटिंग फ्लेवर चाहिए इसमें हींग का, तो चाहे तो इसमें भी आप हींग पाउडर जो है इस बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा डोमिनेटिंग फ्लेवर जो हींग का उससे निकल के आ रहा है। अच्छा, ठीक है सर। ये वर्तिका, जैसे आप देख रहे हैं कि ये गर्म हो गया है तेल, तो इसमें अब अपन जो अपने पास राई और जीरा है ये दोनों मिक्स करते हैं। जैसे वर्तिका आप देख रहे हैं कि राई क्रकल होना शुरू हो गया है, तो इसमें अपन थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं और साथ ही ऐड करते हैं अपने पास ये जो करी पत्ता है ये। ठीक है, आधा चम्मच जीरा और 8 से 10 पत्ती करी पत्ते, करी पत्ते की, और 1/4 चम्मच हींग का पाउडर। साथ ही अपने पास जो ये मिक्सचर अपन ने बनाया है जी, ये अपन ऐड करेंगे। कर्ड वाली जो कड़ी बनती है सौरभ, उसमें तो फटने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें ऐसा भी कोई डर नहीं रहेगा। इसमें भी ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा, इसको पकने में कितना टाइम लगता है? जितना जो नॉर्मल कढ़ी अपन बनाते हैं उतना ही टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि बेसन जो है वो पकने में सेम टाइम लेता है। ओके, और इसके संग अगर सर्व करना चाहें साथ में तो क्या सर्व करना चाहिए? इसके साथ आप इसको राइस के साथ, जो बॉइल्ड राइस है उनके साथ अगर आप लें तो काफी अच्छा फ्लेवर, जो एक्चुअल फ्लेवर है इसका वो बिल्कुल आएगा। सर, यहाँ तक का तो प्रोसीजर हो चुका है, अब क्या करेंगे इसमें अपन? बस इसमें अपने को शुगर थोड़ा सा ऐड करना है। ओके, और एक उबाल आ जाए उसके बाद अपन इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, और आपने बताई दिया कि इसको भी 10-15 minutes लगते हैं पकने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें शुगर, जो कि जो खट्टापन रहता है टमाटर का उसको बैलेंस करेगा, थोड़ा सा बैलेंस करेगा। ठीक है, जिसे वर्तिका आप देख रहे हैं बनके तैयार हो गया है, तो इसको अपन डिश आउट करते हैं। ठीक है सर, एक बात बताओ कि इस वाली कड़ी के अंदर अपन लोग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अगर ब्लांच करके करना चाहे तो? बिल्कुल कर सकते हैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड, बट जो लाइक बीन्स हैं और पीज हैं यही आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो बीन्स आती हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी। वही अच्छी लगेंगे। इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं अपन, बस कोरिएंडर पेटल्स हैं। जी वर्तिका जी, बन के रेडी है टमाटर की कड़ी।
को टेस्ट करती हूँ और मेरे खुद को भी फील करना है कि जब अपन घर में बनाते हैं वो कर्ड की बनाते हैं। वाकई में जिसका टेस्ट आ रहा है बहुत ही डिफरेंट आ रहा है, और आपने कहा कि बॉइल्ड राइस और उसके संग सिंपल प्लेन वाले वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये टमाटर की कड़ी है, बेसन के संग ही तैयार की गई है। बनाने का तरीका बहुत आसान है, हल्का सा एक मीठा जो टेस्ट आ रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। नोट करिए इसका रिकैप और आप लिए रिकैप, मैं आती हूँ ब्रेक लेकर। टमाटो करी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन, 1 से 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बाउल टमाटो प्यूरी, 8 से 10 करी पत्ता, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच हींग, स्वाद अनुसार नमक। टमाटो करी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में बेसन डालें। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और टमाटो प्यूरी डालकर मिक्स करें। थोड़ा सा पानी ऐड करके बैटर प्रिपेयर करें। कढ़ाई में तेल डालकर इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, हींग और बैटर को डालें। इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएं। चीनी को ऐड करें। तैयार है टमाटो करी। इसे हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें।